हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट किसी भी वजह से टेम्परेरली या परमानेंटली लॉक हुआ हो तो आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट टेम्परेरली या परमानेंटली लॉक हुआ हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल के ब्राउज़र में चले जाना है। और ब्राउज़र में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है support.snapchat.com। इस वेबसाइट पर आपने चले जाना है। सही है फ्रेंड्स, ये अभी लोड हो रही है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, स्नैपचैट सपोर्ट। तो आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने ट्रबल शूटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है फ्रेंड्स, ट्रबल शूटिंग के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपने लॉग इन एंड न्यू अकाउंट ट्रबल शूटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, द स्नैपचैट अकाउंट मे बी लॉक्ड। तो आप लोगों ने यहाँ नीचे ये जो लिखा है, व्हाट टू डू इफ योर स्नैपचैट अकाउंट इज़ लॉक्ड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा, माय अकाउंट इज़ लॉक्ड। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे आप लोगों ने रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है फ्रेंड्स, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर नीचे आपको लॉक अकाउंट के बारे में भी एक ऑप्शन मिलता है, माई अकाउंट इज़ लॉक्ड। लेकिन आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपने यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, आई थिंक माई अकाउंट वॉज़ हैक्ड। लेकिन यहाँ पर आपने माई अकाउंट इज़ लॉक को सेलेक्ट नहीं करना है। इसका भी मैं आप लोगों को एक रीज़न बता दूंगा कि इसको क्यों सेलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और आपने कुछ सीरियस वायलेशन किया होगा, मतलब आपने स्नैपचैट के स्टैंडर्ड को अगर फॉलो नहीं किया होगा, अगर आपने अपने स्टोरी व्यूज़ को बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ किया होगा, तो फिर आपका अकाउंट कभी भी अनलॉक नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों ने माय अकाउंट इज़ लॉक के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना है, आप लोगों ने आई थिंक माय अकाउंट वॉज हैक को सेलेक्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, नीड हेल्प विथ समथिंग एल्स, तो आप लोगों ने यहाँ से येस के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप येस के ऊपर क्लिक कर दोगे, आप लोगों ने फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्नैपचैट अकाउंट का यूज़र नेम लिखना है, जो अकाउंट आपका लॉक हो चुका है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी देनी है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड वी नो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई बिलीव दैट माई अकाउंट वॉज मिस्टेकनली लॉक्ड बाई द सर्वर आई एम श्योर दैट आई डिड नॉट यूज एनी थर्ड पार्टी एप्स सो काइंडली अनलॉक माई अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है और अपना स्नैपचैट यूज़र नेम लिखना है, जो अकाउंट आपका लॉक हुआ हो। सही है फ्रेंड्स,
उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से इसको सेंड कर देना है, और सेंड कर देने के बाद फ्रेंड्स तकरीबन 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर एक दफ़ा से अनलॉक नहीं हुआ तो आप लोगों ने दोबारा ट्राई कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।